तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो कल होने वाला है WWE बैकलैश 2023, कहां से तो पोर्टो रिको से सैन जुआन से। एंड यहां पे भाई इस इवेंट के लिए WWE ने कार्ड कर दिया बिल्कुल स्टैक। स्मैकडाउन खत्म करने के बाद हाइप और ज़्यादा बढ़ चुकी है। टोटल 7 मैचेस हैं इस कार्ड के अंदर एंड करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग विनर प्रेडिक्शंस। आप लोग अपने विनर्स कमेंट करके बताना, ज़्यादा टाइम में वेस्ट करूंगा नहीं। इस वीडियो को आप लोग देखना, इसके बाद आएगी अपडेट वीडियो, उसमें बहुत मैसिव अपडेट्स है, वो बिल्कुल मिस मत करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैच है गाइस हमारा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का, जहाँ पे कि ऑस्टिन थ्योरी डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल को ब्रॉन्सन रीड और फिर बॉबी लैशली के अगेंस्ट एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर। अब देखो मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि ऑस्टिन थ्योरी इस मैच के अंदर जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं उससे आप सब एंड में कहोगे कि भाई क्या परफॉर्मेंस दी, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी को जिस तरीके से WWE बिल्ड कर रही है, रिसेंट में एक अपडेट निकल के सामने आई उसमें बताया गया था कि WWE अभी ऑस्टिन थ्योरी को जितना आगे लेके जाने वाली है उसका बस एक ट्रेलर है। तो यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, मे बी इतना ज़्यादा कि बॉबी लैशली और ब्रॉन्सन रीड को तो ईजिली आउट परफॉर्म कर दें। एंड यहाँ पे इतनी बेटर परफॉर्मेंस देने के बाद जो ऑस्टिन थ्योरी हैं वो टाइटल को रिटेन करके भी जाएंगे। तो जो मेरी प्रेडिक्शन है गैस वो है कि ऑस्टिन थ्योरी इस वाले मैच के अंदर अपनी US टाइटल कर लेने वाले हैं रिटेन। अब मैच की एंडिंग कैसे होगी भाई वो देखना होगा। यहाँ पे क्या बॉबी लैशली पिन होंगे, क्या ब्रॉन्सन रीड पिन होंगे? मुझे लगता है ब्रॉन्सन रीड पिन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई जीतेगा तो जीतेंगे तो पक्का भाई ऑस्टिन थ्योरी ही। इसके बाद गैस हमारा अगला मैच है ओमास वर्सेस सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस कम्पीट करेंगे, आई थिंक ये सेथ रॉलिंस का लास्ट मैच है उनकी WWE टाइटल विक्ट्री से पहले का एक किसी पे पर व्यू में, मतलब हाँ इसके बाद नाइट ऑफ चैंपियंस में सेथ रॉलिंस ही मे बी जीतेंगे WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस का ये लास्ट PLE मैच हो सकता है विदाउट टाइटल एंड ये ओमस के अगेंस्ट जाने वाले हैं। देखो इस मैच के अंदर मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली कि हाँ सेथ रॉलिंस जीतेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा है अंदर से डर कि कहीं भाई ओमस जीत ना जाए, क्योंकि सेथ रॉलिंस जो है रेसलमेनिया में जीत के आ रहे हैं, ओमस रेसलमेनिया में हार के आ रहे हैं। WWE के प्लान्स ओमस को लेके भी बेटर ही हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ उलट फेर हो सकता है? लेकिन अगर सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतनी है तो यहाँ पे WWE रॉलिंस को नहीं हराने वाली है, तो इस हिसाब से मैं सेथ रॉलिंस को ही पिक करूँगा। आप लोग अपनी विनर प्रेडिक्शन इसके रिगार्डिंग कमेंट करके बताना। इसके बाद जो गाइस हमारा अगला मैच है वो है रॉ विमेंस चैंपियनशिप का, बियांका बेलेयर डिफेंड करेंगी अपनी रॉ विमेंस चैंपियनशिप को इयो स्काई के अगेंस्ट। अब यहाँ पे देखना है कि क्या टाइटल चेंज होगी, बिल्कुल भी नहीं, टाइटल यहाँ पे चेंज हो ही नहीं सकती। बियांका बेलेयर की रेन अभी इतनी लंबी होने वाली है भाई पूछो मत, एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाने वाली है। बियांका बेलेयर ने रिसेंटली में ये बात कही कि मुझे रोमन रेंस जैसी रेन चाहिए। अब पता नहीं ये रेन उतनी लंबी होगी कि नहीं, लेकिन बियांका बेलेयर जरूर से इस मैच में टाइटल रिटेन करेंगी, इयो स्काई को मिलेगी हार। एंड शायद मुझे लगता है कि बेली भी ट्रेल वगैरह भी कर सकती है मैच के बाद में, नाउ लेट्स सी वक्त बताएगा क्या होता है। इसके बाद गाइस अगला मैच है कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर। सो कोडी वर्सेस ब्रॉक ये एक ऐसा मैच है जो कि सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल मैच है पूरे कार्ड का, एंड यही एक इकलौता मैच है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है आई गेस। तो यहाँ पे कोडी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो मैच है काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग विनर प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से मैं ब्रॉक लेसनर को मैं पिक करूँगा, कोडी को मैं पिक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर WWE जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर वाले मैच को, मतलब सॉरी फ्यूड को कंटिन्यू कर रही है, तो उस हिसाब से WWE यहाँ पे कोडी रोड्स को हराएगी। एंड इसको लेके एक बहुत मैसिव अपडेट भी है जो कि हम लोग न्यूज़ वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे हिसाब से कोडी यहाँ पे हारने वाले, ब्रॉक लेसनर को मैं एज विनर पिक करूँगा। देन गाइस होगा उसोज वर्सेज मैट रिडल केविन ओवंस एंड सेमी जेन का मैच, 6-man टैग टीम मैच। मैं तो यार देखो यहाँ पे ब्लडलाइन बिट्रेल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये मैच मेन इवेंट नहीं होगा तो अब नहीं लगता है मुझे। विनर की बात करें तो यहाँ पे KO सेमी एंड मैट रिडल जीतने वाले हैं, चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि सोलो सिकोवा टीम में तो थोड़े चांसेस उसोज के भी हैं यानी कि ब्लडलाइन के। ऐसे में फिर भी मेरे पे KO सेमी जेन एंड मैट रिडल के लिए, क्योंकि रिसेंटली में ही केविन ओवंस सेमी जेन चैंपियन बने एंड उसके बाद अगले PLE में ही हार जाए मैच तो फिर बहुत वाहियात सी चीज़ हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो एंड मेरे हिसाब से इनके बीच में सोलो सिकोवा उसोज के बीच में ज़्यादा ट्रेल वगैरह सीन बन रहा है, तो यहाँ पे शायद केविन ओवंस सेमी जेन एंड मैट रिडल मैच को जीत जाएंगे। इसके बाद गाइस मैच है स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप का, रिया रिपली वर्सेस ज़ेलिना वेगा। यहाँ पे विनर प्रेडिक्शन काफ़ी इजी है करनी, एंड यहाँ पे इजीली इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करेंगे रिया रिपली, जहाँ पे कि वो रिटेन करेंगे अपनी स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप को। एंड ये मैच काफ़ी कमाल का होगा गाइस, आपने आज देखा होगा स्मैकडाउन तो आपको पता होगा कि ज़ेलिना वेगा को क्या सपोर्ट मिल रहा है। मुझे पता नहीं था कि ज़ेलिना वेगा वहाँ की ही है, तो ज़ेलिना वेगा को भी बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है बैट बनी की तरह। तो ये मैच एंड क्राउड रिएक्शन मैच के अंदर काफ़ी बेटर होगा। बाकी मैच में एंडिंग तो यही होगी कि रिया रिपली अपनी टाइटल रिटेन करेंगी। एंड उसके बाद मैच है हमारा बैड बनी वर्सेस
डैमियन प्रिस्ट। इस मैच के अंदर विनर काफ़ी ऑब्वियस है, स्ट्रीट फाइट है। मैच के अंदर जीतने वाले हैं बैड बनी एंड मैच के अंदर क्राउड काफ़ी इरप्टेड होगी। तो गाइस ये है मेरी प्रेडिक्शंस बैकलैश 2023 के लिए। कल सुबह आप लोग 5:30 में देख सकते हो लाइव शो बैकलैश का, 4:30 में किक ऑफ आएगा। आप लोग कितना एक्साइटेड हो कॉमेंट करके बताना। देखो हाइप हो ना हो, लेकिन WWE PLE में कुछ ना कुछ डिलीवर कर ही देती है, तो उसका मुझे डाउट है नहीं। जहाँ पे हाइप नहीं होती है WWE, वहाँ पे और बेटर कर देती है। एंड ऊपर से पहली बार जा रहे हैं पोर्टोरिको, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बेटर करके आएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए भी डोर्स ओपन रहे। फिलहाल के हिसाब से गाइस ओवरऑल मेरी प्रेडिक्शन यही है। आप लोग अपनी प्रेडिक्शन कमेंट करके बता सकते हैं, कितना एक्साइटेड कमेंट करके बताएं। कौन सा मैच आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है PLE देखने के लिए, वो भी कमेंट करके बताना। एंड आज चैनल के ऊपर डेली से एक्सपेक्टेड ज़्यादा वीडियोज आएगी, तो उसके लिए भी चैनल के ऊपर एक्टिव रहना भाई आप लोग सब लोग। एंड न्यूज़ वीडियो आएगी अगली, उसका वेट करना। बाकी फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।